आज जहां किसी घायल जानवर को देख लोगों का दिल पसीज जाता है, ऐसे में जिला कांगड़ा के तहत राजा का तालाब में धमेटा रोड पर स्थित पार्क में बीमारी की हालत व मानसिक रूप से अस्वस्थ एक 85 वर्षीय महिला जानवरों से भी बुरी जिंदगी जीने को मजबूर है, लेकिन कोई इस दुखियारी बुजुर्ग को सहारा देने को तैयार नहीं है। कांगड़ा के तहत राजा का तालाब में धमेटा रोड पर स्थित पार्क में बीमारी की हालत व मानसिक रूप से अस्वस्थ एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पास ना तो रहने को घर है और ना ही खाने को खाना। हालांकि इस बुजुर्ग महिला की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी पंजाब में रहती है जबकि बेटा इंदौरा में। अपनों के होते हुए भी ये महिला अकेले सड़कों पर जीवन बिताने को मजबूर है। स्थानीय लोगों की माने तो ये महिला पिछले 30 या 35 साल से लोगों के घरों में काम कर अपना गुजारा करती थी, लेकिन अब जब कमाने में असमर्थ हुई तो मौका परस्त लोगों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये शराबी बुजुर्ग महिला को तंग करता है। लोगों का कहना है कि महिला के साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से इस महिला की मदद की गुहार लगाई है। जहाँ एक कोई 80 साल की एक वृद्ध हमारे वार्ड में रहती है, तकरीबन जहाँ वो 30-35 साल से यहीं रह रही है, लेकिन अब वो बहुत वृद्ध हो गई है और वो बिल्कुल अकेली है, जबकि उसका एक बेटा और बहू भी है और उसकी 3 लड़कियां भी है। वो उसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। वो बीमार, अति बीमार रहती है। पहले मेरे पड़ोस में 15-20 दिन एक लेडीज़ अपने घर ले आई थी, उसको बुखार था और उसने 15-20 दिन अपने घर रखी और उन्होंने भी कहीं जाना था बाहर फंक्शन पर, फिर इसलिए वो वृद्ध माता कहीं चली गई थी जहाँ पहले रहती थी, लेकिन वहाँ भी नहीं उसको रहने को जगह मिली। तो अब वो जो राजा का तालाब का पार्क है वहाँ रह रही है और वो बीमार है, कुछ दिन से बुखार आ रहा है। रात को इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में जो वहाँ बेंच है वहाँ पर ही रह रही है। और मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ, बेनती करती हूँ कि उसकी कुछ हेल्प की जाए। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।